जय गौ माता, जय गोपाल। आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप सुंदर सुंदर साहिवाल गायों को देख रहे हैं। कामधेनु गौशाला की ये सभी गाय जो आपको इस वीडियो में दिखाई जा रही हैं, ये सभी हम सेल करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि हम इन सभी गायों को जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम इन्हें सेल करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप साहिवाल गायों को देख रहे हैं। वीडियो में गायों को एक एक करके भी दिखाया जा रहा है और सामूहिक रूप में भी दिखाया जा रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कामधेनु गौशाला अपनी इन गायों को क्यों सेल करने जा रहा है। हम आपको इसका कारण भी बताएंगे। प्रमुख कारण ये है कि जितने संसाधन हमारे पास हैं, हम उतनी ही गायों को रख सकते हैं। गायों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है, जगह कम हो जाती है, तो हमें गायों को सेल करना पड़ता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 800 गायों के लिए गौशाला 100 एकड़ में हरा चारा उगाती है और गायों की सेवा में 100 लोग हमेशा हाजिर रहते हैं। हर महीने अंदाजन कामधेनु गौशाला में 20 से लेकर 30 गाय ब्याह जाती हैं। गौ माँ का परिवार बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ कई प्रबंध भी बढ़ते हैं जिस कारण हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। कामधेनु गौशाला की जो ये साहिवाल गाय आप देख रहे हैं, ऐसी नस्लों को पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि हम पिछले 15-16 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं। ये सारा कार्य मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। कामधेनु गौशाला का ये स्वप्न है कि ऐसी ही गाय भारत के किसान के घर में खड़ी होनी चाहिए और देश में देसी गायों के दूध की नदियां बहें। अगला सवाल आपके दिमाग में ये पैदा हो रहा होगा कि इन गायों का मूल्य क्या होगा। मूल्य बताने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कामधेनु गौशाला से गायों को लेने के लिए लगभग 5,000 लोगों ने नाम लिखाए हैं। हमने इन सभी लोगों का नाम और पता नोट किया है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास देने के लिए बहुत कम संख्या में गाय हैं और लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम कुछ चुनिंदा लोगों को ये गाय दे देते हैं तो दूसरों के मन में सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए कामधेनु गौशाला की कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि इन गायों की बोली लगाई जाए, मतलब ऑक्शन की जाए। ऑक्शन का रास्ता सबके लिए एक जैसा होगा, उसमें सभी लोग भाग ले सकेंगे। बोली में प्रत्येक गाय का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा। बोली में जो भी व्यक्ति न्यूनतम मूल्य से सबसे अधिक मूल्य लगाएगा, उसे वो गाय दे दी जाएगी। ये इन गायों को खरीदने का प्रोसेस है जो कि कामधेनु गौशाला कमेटी ने निर्धारित किया है। अब आप बड़े ध्यान से उस बोली की ऑक्शन डेट नोट कर लें। ये ऑक्शन 8 सितंबर 2021 को होने जा रही है। मैं फिर दोहराऊंगा, ये बोली 8 सितंबर 2021 को होने जा रही है। इसका समय सुबह 10 बजे रहेगा। ये ऑक्शन कैसे होगी, इसमें क्या क्या नियम बनेंगे, इसमें आप भाग कैसे ले सकते हैं और ऐसे और कई सवालों का जवाब कामधेनु गौशाला के प्रतिनिधि मोबाइल पर आपको देंगे। इस ऑक्शन के कुछ नियम होंगे जो कि आपको विस्तृत रूप से बताए जाएंगे। आप में से जो भी सज्जन इन गायों को लेना चाहता है, वह कृपया संपर्क सूत्रों से बात कर सकता है। ये मोबाइल नंबर्स स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर जब आप संपर्क करेंगे तो आपको सभी गाय जो सेल होने जा रही हैं, उनकी विस्तृत जानकारी
पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाएगी। सो आए इस ऑक्शन में, इस बोली में शामिल हो जाएं। मैं सभी गौ भक्तों को जो इन गायों को लेना चाहते हैं उनको इस ऑक्शन में, इस बोली में आमंत्रित करता हूं और ये आशा करता हूं कि आपको ये गाय प्राप्त हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।